नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं माइंड एक्सप्लोर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट को GDS का शॉर्टलिस्टेड लिस्ट देखने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट आ चुका है, तो उसका शॉर्टलिस्टेड लिस्ट आ चुका है, तो आप देख सकते हैं आप अपना रिजल्ट। बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी हो रही थी कि उसका शॉर्टलिस्टेड हुआ या नहीं हुआ। और बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसका शॉर्टलिस्टेड जिससे ही रिजल्ट आया था उस दिन नहीं हुआ था, और उसका क्या बोलते हैं एरिया भी शो नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसका एरिया शो कर रहा है, ठीक ना, आप चेक कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक का है, ठीक ना, ग्रामीण डाक सेवक आप भरे होंगे तो आप अपना शॉर्टलिस्टेड देख सकते हैं, आप शॉर्टलिस्टेड हुए कि नहीं होंगे, ठीक ना। आप कैसे देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिख रहा है, जैसे ही आपको वेबसाइट पाइएगा यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट पाइएगा तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं GDSonline Engagement लिखा हुआ है। आप इसको क्या करना है, होवर करना है, जैसे माउस रखना है, रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके जितना भी यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेट है, जिस जिस स्टेट में निकला था आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक ना। आज जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक कर दूँ, जैसे गुजरात है तो गुजरात पे मैं क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसका लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट टू भी आ गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको देखना है लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, आपको क्या करना है इस पर होवर करना है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेगा दोस्तों आपके सामने आपका लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 49 पेज का आप यहाँ पे है, ठीक ना। तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके यहाँ पे है तो आप यहाँ पे आप शॉर्टलिस्टेड है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एप करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, जैसे कि 24 कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डायल करता हूँ 3, उसके बाद सी, इस तरह से आपको डायल कर देना है। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डायल करेगा तो आप किसी भी पेज पे रहेगा आपका, तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है ये, ठीक ना। इस तरह से आप अपना क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर फ्यूचर में आता है तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।